नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द प्राइस ऑफ कैरोसिन बी रेज बाई नाइन परसेंट कैरोसिन का जो प्राइस है नो परसेंट बढ़ गया फाइंड हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजन ऑफ कैरोसिन सो दैट नो टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर देखिए जो ओरिजिनल प्राइस है ये क्या है न्यू प्राइस राइट राइट ये ओरिजिनल है ये न्यू है जिसमें मैं पहला लेता हूँ प्राइस ठीक है ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया 100 यूनिट था या सौ रुपये था ठीक है 9% परसेंट का मतलब है सौ रुपये पे 9 की वृद्धि यानी एक सौ राइट अब बात करता हूँ क्वांटिटी की क्वांटिटी का जो रेशो होता है वो प्राइस के ऑपोजिट होता है तो यहाँ पे आएगी यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी एक और ये दोनों रिवर्स हो गए देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी वो इंटरचेंज हो गई राइट अब क्या बोल रहा है फाइंड हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हीज कंजप्शन कंजप्शन हमें रिड्यूस करनी है देखिए शुरू में क्या थी प्राइस 100 था और 100 यूनिट मुझे मिल रहा था ठीक है अब क्या हुआ 109 प्राइस हो गया ठीक है और क्वांटिटी हमें 100 तक ही लेके आनी है क्योंकि देखिए शुरू में क्या था सौ रुपये में 100 यूनिट कैरोसिन मिल रहा था ठीक है अब क्या हुआ रेट बढ़ने की वजह से कम मिलेगा तो यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी हमें हंड्रेड तक जाना पड़ेगा तो एक सौ नौ से मैं हंड्रेड तक कैसे जाऊँगा जब नो यूनिट घटा दूंगा राइट right? अब मेरे को ये परसेंटेज में निकालना है तो नो यूनिट डिक्रीज हुआ किसके ऊपर right? एक सौ नौ के ऊपर इन टू हंड्रेड राइट ये किसके इक्वल आएगा एट पॉइंट टू फाइव परसेंट तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है